मैंने चाय पी ली है और मुझे अभी एक हमारा नया दोस्त बना है ध्यान, हु इज़ अ यंगस्टर हु इज़ गेटिंग इनटू फोटोग्राफी, उसने बताया कि यहाँ पे कॉर्बेट की मूवी चलती है, तो हम देखते हैं। कल मैं सोच रहा था यहाँ पे क्या होता है, एक ऑडिटोरियम सा बना था, तो उन्होंने बताया कि कॉर्बेट की मूवी दिखाते हैं यहाँ पे 7:30, तो देखते हैं क्या है वो मूवी और किस चीज़ पे है। तो दिस इज़ द एम्फी थिएटर एंड वील सी हाउ द मूवी गोज। ये है हमारा नया दोस्त ध्यान। हैज़ द मूवी स्टार्टेड? ओके, तो देखते हैं। ये एम्फी थिएटर बनाया हुआ है बहुत अच्छा सा, तो आप प्लीज़ ये मूवी देखिएगा जब भी आप यहाँ पे आए। मूवी स्टार्ट हो रही है तो देखते हैं मूवी और आपको बताते हैं कैसे एक्सपीरियंस है। थिएटर में लोग भी बैठे हैं, प्रोजेक्टर से चल रही है अभी। बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज थी, लेकिन मुझे नहाना है और 9 बजे तक खाना मिलता है, 8:20 हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले नहा लेता हूँ फिर खाना के लिए जाना है, तो खाना खा लेते हैं। सो यहाँ पे जो डिनर लंच और ब्रेकफास्ट का सिस्टम होता है वो बफे सिस्टम होता है। यहाँ बफे लगता है, आप ले सकते हैं, और यहाँ का प्राइसिंग है और टाइमिंग भी है। तो जैसे ब्रेकफास्ट इज़ फ्रॉम 8 AM to 10 PM, लंच इज़ फ्रॉम 1 PM to 3 PM एंड डिनर फ्रॉम 7 to 9। और जो लेट लिस्ट है उसकी ये है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बट यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि अगर जैसे किसी को नहीं खाना है या कम खाना है तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, ही हैज़ टू टेक द बफे, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। इनको थाली सिस्टम भी कर देना चाहिए, थाली थोड़ा चीपर पड़ेगा, बट दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। सांबर भी कॉल कर रहा था, एलिफेंट की भी ट्रम्पेटिंग आ रही है, तो विल ट्राई एंड रिकॉर्ड इट। दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और अब हम तो आपको थोड़ा कैंपस दिखाते हैं रात को। ये कैंपस की जो कैंटीन है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ अंदर से। खाने का है बस एक वहाँ पे डाउन वो है, पिछली बार से खाना काफ़ी इम्प्रूव हो गया इस बार, लेकिन एक डाउन साइड वही है कि अगर आपको कम भी खाना है तब भी आपको उतना ही खर्च करना है जितना आपको ज़्यादा खाने में, और आप अला कार्ट कुछ नहीं बनवा सकते, आपको बफे से ही खाना होगा जो बना हुआ है। और कॉल्स बहुत आ रही हैं, सांबर डियर कॉल कर रहा था अभी यहाँ पे, एलिफेंट्स ट्रम्पेट कर रहे थे, नाइट जार की कॉल आ ही रही थी। और अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये है जो मेन गेट, ये अभी बंद हो जाता है, और अभी इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग है तो करंट दौड़ा देते हैं, चेक करके बताएगा कितना करंट है। और आपको एक आवाज़ सुनाते हैं, ये नाइट जार की आवाज़ है। ये जो आपका आवाज़ आ रही है दीपू की नहीं बर्ड की, चूं चूं चूं, ये नाइट जार की है। अब आपको कैंपस दिखाते हैं, वो लाइट जो जल रही है ये, इससे पता चल रहा है कि इसमें करंट ऑन है। और चलते हैं अब उधर की तरफ, और ये जो है ऑफिस, इसके ऊपर कुछ रूम्स हैं, कुछ रूम्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे NX1 है, उधर है ओल्ड FRH, अभी आपको दिखाएंगे ओल्ड FRH। और जो NX है यहाँ पे, एक अच्छी चीज़ है यहीं पे, यहाँ पे नेटवर्क आता है, आप पोल के ऊपर अपना फ़ोन रख के बात कर सकते हैं। एक दो नेटवर्क से आते हैं यहाँ पे, जैसे जियो आ रहा है, एयरटेल नहीं आ रहा है, और आइडिया आता है मैंने सुना है, और BSNL तो आता ही हर जगह। तो ये अब आ गया ओल्ड FRH, इसको आगे से दिखाएंगे, बहुत सुंदर दिखता है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं मचान टाइप की छोटी, ये है महावत
का जो पहले हाथी की सफारी होती थी उसके लिए एलिफेंट के लिए जो चढ़ने का होता था एलिफेंट माउंट, यहाँ से आप एलिफेंट पे चढ़ के बैठते थे। अब लेकिन ये बंद हो गई है, अब एलिफेंट्स जो हैं कैंपस में वो सिर्फ पेट्रोलिंग, जानवरों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। सही बात है, अब एलिफेंट सिर्फ पेट्रोलिंग और रेस्क्यू एक्सेट्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे घास का पौधालय भी बनाया हुआ है, जो ग्रास लगती है यहाँ पे ग्रासलैंड में उसके लिए, उसके कुछ रिसर्च वगैरह करते होंगे। और इधर की तरफ ज़्यादातर स्टाफ का एरिया है, ये एक गेट है, इस पर वायर फेंसिंग है और उधर स्टाफ रहता है, ये पूरा ये स्टाफ का एरिया है। आपको मैं एक बार ओल्ड FRS दिखाते हैं, और बहुत बार डियर्स यहाँ अंदर भी आ जाते हैं, तो वो अगर दिखेंगे हमें तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये है ओल्ड FRS की बिल्डिंग, ये पहले यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हुआ करता था, अब नया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस उधर की तरफ बन गया है जो ये है सामने। और ये है ओल्ड FRS की एंटीक बिल्डिंग, यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, वहाँ पे वायर फेंसिंग करी हुई है जिससे कोई जानवर अंदर ना आ पाए। नहीं, बलून वाले हैं। हाँ, क्या क्या दिखा उनको? उनको सब दिखा, टाइगर का वीडियो अभी हमने देखा था इसमें। हाँ, जो शाम को फिल्म चली थी उसमें उसमें वो यहीं से उतरे थे, आए थे वापस, और उनको टाइगर की साइटिंग हुई थी, टाइगर्स विद कब्स की। अच्छा। तो वो बहुत ही अच्छा साइटिंग थी, और वो कह रहे थे दैट वाज द फर्स्ट टाइम सच स्मॉल कब्स वर रिकॉर्डेड इन कॉर्बेट। और देखिए यहीं पे मूवी देखने गए थे हम, और आपको थोड़ा बाहर घूम के दिखाते हैं कैंपस में क्या मूवमेंट चल रही है, क्या है। चलते हैं, आइए। ये देखिए, ये आउल की कॉल है, और ये जो ये ब्राउन हॉक आउल की कॉल है। और ये है एम्फीथिएटर का एरिया, वो देखिए यहाँ डियर बैठे हुए हैं, इनके आंखें चमकती दिख रही होंगी आपको। ये शाम को अंदर आ जाते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए, और प्रेडेटर भी आ सकते हैं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे तारबाड़ी नहीं है शायद। देखिए और ये तो कम है, इससे कहीं ज़्यादा नंबर्स में डियर्स यहाँ पे दिखते हैं। डे यूज सेंटर लिखा है, डे यूज सेंटर, रात को आने का नहीं है। और यहीं पे एम्फीथिएटर था जहाँ मूवी देख रहे थे। एक राउंड इधर भी देखते हैं, यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स हैं, तो ये भी एरिया ऐसे ही है। देखिए कितने नहीं यहाँ पे घास वगैरह है, और जंगल के साउंड्स आ रहे हैं, और देखिए वो देखिए वहाँ पे एक जैकल है, आपको दिखा होगा, वो भाग गया अंदर को। तो यहाँ पे देखिए जैकल भी आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी अंदर आ जाती है। और ये डेक से मॉर्निंग का सीन है, ये हाथी आप देख रहे होंगे, और हाथियों का हर्ड है और पास में, और हिरन का भी हर्ड है पूरा, जो रात भर कॉल चलती हैं वो इसी साइड से आती है पार्क एरिया से। और यहाँ टाइगर का भी मूवमेंट रहता है रात को, और कई बार तो दिन में भी दिख जाता है इधर। देखिए हाथियों का झुंड पानी में आ गया है, कुछ हाथी लेटे हुए हैं इंजॉय करते हैं। छोटू भी है इसमें, पानी में देख। ये देखिए
दिखा रहे कि डेक से ये एलिफेंट के हर्ट्स का वीडियो बना रहे हैं। देखिए मड बात चल रहा है। वो गर्मी से बचने के लिए वो करते होंगे ना, ठंडक के लिए मिट्टी। आपको भी ले जाना थी ना, उनके नहा के आए हो मिट्टी कर दिए। कोई दिया हो ये कितना सही रहा है, लेकिन दिखेगा वो